नमस्कार, संवाद 365 में आप सभी का स्वागत है। लगातार आपको चुनावी कवरेज हम दिखा रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम रायपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं। मेरे पीछे बोर्ड भी आप देख रहे होंगे, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं रायपुर विधानसभा से हीरा सिंह बिष्ट, और यहाँ पर उनकी सभा का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन उससे बड़ी जानकारी मैं आपको दे दूँ कि आज आम आदमी पार्टी के भूपेंद्र फरासी ने आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। उन्होंने क्यों दामन थामा वो भी उनसे जानेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं रायपुर विधानसभा क्षेत्र में, उनसे हम जानते हैं कि इस बार किस ओर उनका रुख है, क्या वो बीजेपी को चाहते हैं या क्या वो कांग्रेस को चाहते हैं। यहाँ पे आई जनता से बातचीत करते हैं, आप भी चलिए मेरे साथ। कुछ करना चाहिए निश्चित रूप से, वो काम सी काम है। जरा उनकी बस्तियों का शहर के चारों तरफ 300 करोड़ के प्रोजेक्ट थे। इंदिरा गांधी अभी सूत्र कार्यक्रम में हमने जगह जगह पुस्तें लगाए थे, 5-6 पुल तभी के बने हैं। इन बस्तियों को सुरक्षित किया, जिसकी बात अभी हमारे भूपेंद्र भाई कर रहे थे, उनको हम उजाड़ने वाले लोग नहीं, हम बताने वाले लोग हैं। और उनको नियमितीकरण करने का उनको अधिकार देने, उनका मौलिक अधिकार देंगे कि यह तुम्हारा पट्टा पकड़ सके, सके ये हमारी जमीन है, हमारा मकान है। वो एक असमंजस की स्थिति हम लोग निश्चित रूप से खत्म करने जा रहे हैं। मेरे सिद्धांत सुने, मेरा गांधी परिवार से कांग्रेस से मेरा नाता मैं नहीं जाऊंगा, इसका अभी ना मुझे क्या लालच हो गए। मुझे को खरीदने वाला धरती पैदा नहीं हुआ, मैंने वो काम किया ना, मैंने सीखा। ये धरती ने मैं संस्कार दिए, माँ बाप ने दिया, अध्यापक ने दिया, साथियों ने दिया। निश्चित रूप से भूपेंद्र फरासी साफ सुथरे सच छवि का आदमी, विभिन्न पार्टियों में गए, आप पार्टी में भी टिकट का भी प्रयास किया, नहीं मिला, लेकिन संघर्ष किया, करप्शन के खिलाफ संघर्ष करते रहे, लूटमार के खिलाफ संघर्ष करते रहे। जो वर्तमान विधायक है उनके कुरीतियों के खिलाफ शुरू से आंदोलनरत रहे, उनसे हमेशा विरोध रहा, टकराव रहा, वो भी उनको जो जिम्मेदारी जिनकी योग्यता वो दूसरी पार्टी में नहीं मिली, कांग्रेस को उन्होंने ये समझा और कांग्रेस को आज ज्वाइन किया अपने साथ। मैं उनका आभार व्यक्त, उनका स्वागत किया सारे साथियों ने मिलकर के, और उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी पार्टी में निश्चित रूप से हम शीघ्र देंगे। अभी चुनाव जीतना हमारा लक्ष्य है, तो उससे बड़े ताकत और बल मिला हमको इस क्षेत्र में, सारे लोग इकट्ठे हुए और एक सूत्र में हमने परिवर्तन में लहर में योगदान देकर बीजेपी को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। एक नया उत्तराखंड, नया सवेरा आ रहा है, जनता का जो विश्वास है, जनता जो बदलाव की भावना लहर चल रही है, यह निश्चय हमारा मनोबल बढ़ा रही है। इसमें यूथ, नौजवान, किसान, मजदूर सब एक होकर के संकल्प को दोहरा रहे हैं कि परिवर्तन है, परिवर्तन की लहर है और विकास चाहिए। निराशा, हताशा, बेरोजगारी से लोग बीजेपी के शासन से परेशान हो गए, यह लक्ष्य हमारे सामने। विधायक ने 10 साल कोई प्रमाण नहीं कुछ किया हो, मैं नहीं समझता कोई चिन्हित किया। जो हम लोगों ने किया, हमने IIT बनाए, पॉलिटेक्निक बनाए, स्टेडियम बनाया, हमने IIT पार्क बनाए, हमने अस्पताल बनाए, हमने सड़कें बनाई, हमने राजीव गांधी नवविद्यालय बनाया, तो हमने इतने हम कहने को कह सकते, विधायक रहे या मंत्री, 10 साल का पीरियड बहुत होता है विधायक काम करने का, लेकिन कुछ नहीं। नाली सड़क तो हर एक कोई बनाता है, तो प्रधान बनाएगा, पार्षद बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विधायक को 10 साल सत्ता पक्ष में रहने में जो पार्टी को धोखा दिया, जो जनता की भावनाओं को उठारा ज्ञात किया, जो सरैम चौराहे पर होकर बोली बोल सकता कोई विधायक हो, जनतंत्र को उठारा ज्ञात किया, उत्तराखंड की भावना का, यहाँ के स्वाभिमान को ठेस पहुँचाई, जनता इसका बदला लेगी। तो परिवर्तन का संकल्प लिए हमारे साथ भूपेंद्र फारसी जी ने आज आम आदमी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका संवाद 365 में। सर, कितने समय से आम आदमी पार्टी में आप थे और ऐसा क्या रहा कि आज आपने आम आदमी को छोड़कर हाथ का दामन थाम लिया है? पहले तो आपके इस चैनल को, संवाद चैनल को धन्यवाद कि मुझे मौका दिया, और आपके श्रुति सुधाओं को बहुत बहुत बधाई और नमस्कार। अब आम आदमी पार्टी में मुझे ये लगा कि वो लोग ठग रहे हैं, बेसिकली वो ऐसा कर रहे हैं, कोई भी आदमी अगर जो उन्हें मिलता है वो कहते हैं आ जाओ आपको हम विधायक बना देंगे, कोई भी आदमी, जबकि जो बड़ी पार्टियां होती हैं वो ऐसा नहीं करती हैं। और ठग तो हैं वो, लोगों को ठगते हैं, ये नेताओं को ठग रहे हैं, आपने देखा होगा कि बहुत से लोग। और दूसरा ये लगा कि वो एक खास जाति विशेष पर ध्यान रख रहे हैं, जितने भी उत्तराखंड के लोग थे वो लोग अब निकल गए हैं। कारण यह है कि उन्होंने दिल्ली से कुछ ऐसे लोग भेजे हुए हैं जो यहाँ पे प्रभारी हैं, उप प्रभारी हैं, या यहाँ पे जोनल प्रभारी हैं, जो कि दिल्ली के हैं और वो पेड हैं, तो जो पैसा लेके जो काम कर रहा है, जो नौकरी पे काम कर रहा है, वो नेताओं पे को कैसे समझा देगा। तो उससे देख के लगता है कि इनकी मानसिकता जो है वो उत्तराखंड में ना तो सरकार में आने की है, ना कोई विधानसभा में आने की है, ये सिर्फ लोगों को छल रहे हैं, ये देख रहे हैं कि अगर जो हम आते हैं तो हमें कितना वोट मिल जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। झाड़ू को छोड़कर आपने हाथ को थामा है, आप चाहते फूल को भी थाम सकते थे, बीजेपी की मैं बात कर रही हूँ, तो बीजेपी ना जाकर कांग्रेस में ही आना, ये एक पार्टी की तरफ कैसे रुझान हुआ आपका?
मुझे ये लगता है, मैंने 30-35 साल में, मतलब कि 15 साल की उम्र से संघ का कार्य करता रहा। उसके बाद मैं राजनीति में आया, इलेक्शन लड़ा, और जब मैं इलेक्शन लड़ा तो पार्टी का कोई सहयोग नहीं था, क्योंकि वो ग्रामीण समाज का इलेक्शन था और उसमें पार्टियां नहीं चलती, समर्थित उम्मीदवार चलते हैं, लेकिन मुझे पार्टी से, भाजपा से समर्थन भी नहीं मिला था। और 30-35 साल के बाद जब मौका आया, जब पार्टी कहीं कुछ कर सकती थी, अपने लोगों को आगे कर सकती थी, तो उन्होंने एक ऐसे आदमी को जो कि कांग्रेस करता रहा जिंदगी भर, उसे बैठा के विधायक बना दिया, उसे टिकट दे दिया। मेरा ये कहना था, तो मुझे लगता है पक्षद्रोह है पार्टी कि कुछ इस तरह का कि एक पिता ने एक बच्चे को पाला और जब उसका समय आया तो उसने दूसरी शादी कर ली और उसके उससे जो बच्चे हुए उसको उसने प्रॉपर्टी दे दी और जो उसका विश्वास था वो टूट गया। ये भाजपा मुझे कहीं ना कहीं पक्षद्रोह लगी और मुझे ये लगा कि मुझे ऐसे पार्टी में जाना चाहिए जो अपने लोगों के लिए खड़ी हो। ये तो किसी को भी पैसा दे के और टिकट दे के किसी भी दूसरी पार्टी, और मेरा मानना यह है कि भाजपा भाजपा नहीं रही है, ये तो मिक्सचर हो गया। यहाँ तो मैं अभी, आप उत्तराखंड में देखिए, वो लोग कैबिनेट में है ज़्यादातर जो कांग्रेस से आए हुए लोग हैं। तो और जो मैं इनके कार्यकर्ता देख रहा हूँ, इनके कार्यकर्ता इतने परेशान हैं कि वो कहाँ जाएं, क्योंकि इन्होंने उन्हीं अपने जो लोग बनाए हैं, जो पार्षदों में जिता है या जो जिन्हें पार्टी में अच्छे पदों में लेके आए, वो ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस मानसिकता के हैं, जो तो जो भाजपा का पुराना कार्यकर्ता है आज वो बहुत परेशान है, विचलित है, वो छोड़ भी नहीं पा रहा पार्टी को, क्योंकि उसकी बहुत मेहनत लगी हुई है, लेकिन कुछ कर भी नहीं पा रहा। उसे पता है कि आने वाले समय में उसको ज़मीन पे लेटा दिया जाएगा, लेकिन वो छुप के काम कर रहा है। और इसी का परिणाम है कि इस बार हीरा सिंह बिश जी की सीट बहुत अच्छे मार्जिन से निकलने वाली है। कांग्रेस के जितने लोग मैं देख रहा हूँ वो सब उनके साथ जुड़े हुए हैं। आम आदमी का भी रुझान बिश जी की तरफ है। और उमेश शर्मा जो पहले भाजपा से कांग्रेस में गए हैं, वो कहते हैं कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से आए। उन्होंने भाजपा के लोगों को हराने के लिए निर्दलियों को सहयोग किया या दूसरी पार्टी के लिए सहयोग किया। आज वो लोग जो हारे या जीते हुए हैं किसी तरह, कांग्रेस भाजपा के जो कि पुराने कार्यकर्ता हैं, जो 20-20-30-30 साल से लगे हुए हैं, आज वो इनके विरोध में खड़े हुए हैं और खुल के काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में आपका स्वागत हो चुका है और आप शामिल हो गए हैं आप कांग्रेस पार्टी में। विधानसभा रायपुर है ये जहां पर आपका स्वागत किया गया, आपको पार्टी में शामिल किया गया। हीरा सिंह बिश जी कांग्रेस प्रत्याशी हैं, उमेश शर्मा काव की आपने बात की, आपको क्या लगता है, क्योंकि कई बार जीते हैं उमेश शर्मा काव उस विधानसभा सीट से, लेकिन अभी भी ऐसे काम जो नहीं हुए हीरा सिंह बिश जी उन काम को कर सकते हैं, उनकी जीत के लिए आप कितने आश्वस्त हैं? आपने दो प्रश्न पूछ लिए। पहला तो जीत का पूछा आपने कि हीरा सिंह बिश जी में और उमेश शर्मा जी में। देखिए, उमेश शर्मा जी जो पहले जीते बहुत अच्छे मार्जिन से जीते, उसके कई कारण थे। एक तो कैंडिडेट जो उस टाइम आए बहुगुणा जी, उनको बहुत कम समय मिला और ग्रामीण परिवेश के थे, शहर में कम काम था और बहुत बड़ा फिगर नहीं थे बहुगुणा जी। और उस टाइम जो था वो भाजपा की लहर थी मोदी जी के नाम पर, और लोग इन्हें समझ नहीं पाए थे भाजपा वाले, तो लोगों ने इन्हें बहुत अच्छे मार्जिन से जिताया। उससे पहले जब ये जीते तो ऐसे टाइम पे जीते कि जो भाजपा के प्रत्याशी थे उसके प्रति लोगों का, इन्हीं की पार्टी के लोगों का रोष था। जैसे आज भाजपा के कार्यकर्ताओं का रोष उमेश शर्मा पे है, वैसे ही उस समय जब ये पहली बार जीते भाजपा के विधानसभा के प्रत्याशी पे का रोष था, इसलिए जीते। दोनों बार जब जीते तो ये जनता की पसंद के कारण नहीं जीते गए, ये नहीं है कि इनको जनता पसंद कर रही इसलिए जीते, ये इसलिए जीते कि इनके सामने जो कैंडिडेट थे उनको लोग नापसंद कर रहे थे, ये नापसंदी के वोटों से जीते हुए हैं। और बिष्ट जी जो हैं वो पसंद वाली वोट से जीतेंगे। कारण क्या है कि बिष्ट जी ने पहले ही इतने, उनके एक विजनरी नेता हैं, वो यूपी के टाइम से राजनीति करते हैं और उन्होंने इतने अच्छे काम कर रखे हैं रायपुर में ही नहीं, पूरे उत्तराखंड में। जब वो कैबिनेट मंत्री थे उन्होंने बहुत डेवलपमेंट के काम किए, कई ऐसे संस्थान खोले सरकारी जिसमें लोगों की नौकरियां लगी, जिससे क्षेत्र का डेवलपमेंट हुआ। तो वो विज़न तो इन पे है भी नहीं, तो इसलिए वो लोगों की पसंद से जीते हुए बिश जी बनेंगे, ये लोगों की नापसंद के कारण जीते हुए थे। धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो कुछ और कार्यकर्ता भी हैं यहाँ पर मौजूद, उनसे जानते हैं वो क्या सोचते हैं। सबसे पहले सर आपका परिचय। जी, मैं कांग्रेस कमेटी से प्रदेश सचिव हूँ, गुलशेर मियां उर्फ मुन्ना भाई के नाम से मुझे जानते हैं लोग। ठीक है, तो मुन्ना भाई के नाम से आपको यहाँ पे लोग जानते हैं। तो मुन्ना भाई जी, हम हमसे सवाल करेंगे, रायपुर विधानसभा में आपको क्या लगता है कि अभी तक कुछ काम नहीं हुआ, जो काम नहीं हुए और अब होंगे कांग्रेस सरकार आएगी तो? देखिए, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है रायपुर विधानसभा का कि
हाँ, रायपुर विधानसभा से जिन्हें विधायक बना के भेजा, इतने ज़्यादा मार्जिन से वो विधायक बनकर आए और उसी विधानसभा में काम नहीं हुआ, तो ये बड़े अफसोस की बात है कि 70 विधानसभा में सबसे ज़्यादा जो जीते हुए व्यक्ति हैं, उमेश शर्मा जी जीते थे 56,700 वोटों से जीते थे वो, लेकिन उसके बाद भी कोई काम नहीं हुआ। ये जग जाहिर है कि आपको मालूम है पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे, तो उन्होंने कहा भाई मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा है, और मतलब कई कारण रहे जो उन्होंने अपने कारण गिनाते रहे, लेकिन जनता के बीच उन्होंने काम नहीं करा। हमारे बिष्ट जी एक सीनियर व्यक्ति हैं और एक पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, उन्होंने कभी पार्टी से बाहर जाके कोई बात नहीं करी, और ये बात सभी भले भांति जानते हैं कि बिष्ट जी ने, हम तो जब छोटे थे शायद बहुत ही छोटे रहे होंगे, तो बिष्ट जी का एक नाम सुना करते थे, जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी जब परेड ग्राउंड में आती थी तो हीरा हीरा नाम से बुलाती थी, आज वो हीरा फिर चमक गया। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, बीजेपी सरकार के अंदर जो इन्होंने अपने वादे किए थे वो कभी पूरे नहीं हुए, किसी को नहीं दिया इन्होंने, कुछ भी नहीं दिया है। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ा गई, जनता जो है महंगाई से बहुत तरस हो गई है इस टाइम, और बेरोजगारी में बहुत ज़्यादा वो हो गई, तरस हो गई, तो अब वो चाहती है कि बदलाव लाना, हम जनता चाहती है अब बदलाव आएगा और कांग्रेस की सरकार यहाँ पर आएगी। आप देख रहे हैं कि इंदिरा गांधी के टाइम पर 66 कंपनियां बनी थी, 66 कंपनियां लगी थी, इंदिरा गांधी ने 66 कंपनियां लगाई थी, और आज जो है इन्होंने 66 कंपनी में से 23 कंपनियां इन्होंने अपनी बेच दी मोदी जी ने, सब ने मतलब किसी ने 22 बनाई, किसी ने 10 बनाई, किसी ने 7 बनाई, जो जो प्रधानमंत्री आते रहे इस तरह से देश को बढ़ावा देते रहे, बल्कि जब से मोदी सरकार आई है मोदी सरकार ने जो है देश का खोखला कर दिया और सारा कुछ प्राइवेटीकरण कर दिया। तो आम आदमी पार्टी के भूपेंद्र फरासी जी ने आज आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया, इसके साथ ही कुछ कार्यकर्ताओं से हमने बातचीत की, उन्होंने भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता का स्वागत किया, साथ ही इनका यही कहना है कि हीरा सिंह बिष्ट जी की जीत को लेकर वो निश्चित दावा कर रहे हैं कि इस बार ना सिर्फ रायपुर विधानसभा में बल्कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। अब देखने वाली बात होगी क्योंकि 14 फरवरी को पूरे उत्तराखंड में एक चरण में मतदान होगा, 10 मार्च को नतीजे आएंगे, ऐसे में किसकी सरकार इस बार बनती है ये खबर जानने के लिए और ऐसी बाकी खबरों को जानने के लिए संवाद 365 के साथ बने रहिए। मैं अनुप्रीति, वीडियो जर्नलिस्ट विकेश शाह के साथ संवाद 365 देहरादून।